यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार फिर से बीजेपी जनता कसके कमर तैयार फिर से। नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त अदीब सिद्दीकी हाजिर हूँ एक दिन प्रत्याशी संघ में। आज हमारे साथ हैं भाजपा प्रत्याशी विधानसभा 278 से कपिल देव वर्मा, जो पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो एक दिन प्रत्याशी संघ में। धन्यवाद भाई साहब। बड़ा उलटफेर ये है कि यहाँ से विधायक संजू देवी का टिकट कटा है और भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है कपिल देव वर्मा को। सबसे पहला सवाल तो यही करूँगा, क्या इस टिकट कटने की वजह से लोगों में या उनके समर्थकों में कोई नाराजगी है? पहले तो अपने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे एक किसान के बेटे कार्यकर्ता को टांडा विधानसभा से प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी दिया प्रत्याशी बनाने का। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और टांडा विधानसभा में माननीय विधायक जी का टिकट कटा है, ऐसा कोई कारण नहीं है, उनकी तरफ कोई विरोध भी नहीं है। अभी मैं कल उनके साथ बैठा था, वो लगातार हमारे साथ निकलने तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नियत है कि वो सभी कार्यकर्ताओं का बार बार सम्मान देता है। कोई बूथ अध्यक्ष हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई बूथ अध्यक्ष हमारा प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, कोई सांसद कोई विधायक बन सकता था। तो भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति, इससे कोई विरोध नहीं है। सर आपका टिकट सबसे आखिरी में अनाउंस हुआ, पहले बसपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया था, फिर समाजवादी ने अनाउंस किया, फिर आपका नाम आया, क्या इसके पीछे कोई रणनीति? कोई रणनीति हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी रणनीति दूसरे पार्टी देखता नहीं कि सपा कौन घुस गया, बसपा क्या प्रत्याशी घुस गया, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने सर्वे रिपोर्ट पर अपना पूरा रिपोर्ट के आधार पर सभी रिपोर्ट मंगवा के उस पर विचार करते हैं, कई स्तर पर बैठक होते हैं, उसके बाद तब हमारे पार्टी संगठन निर्णय लेता है और प्रत्याशी घोषित करता है। जब से आपका टिकट अनाउंस हुआ, एक बात ये भी कही जा रही है कि टांडा जो मुस्लिम बाहुल इलाका है वहाँ से भी आप कई मत निकाल सकते हैं, मतलब मुस्लिम समाज के लोग मुस्लिम समाज के युवा आपके साथ हैं, तो इस बात में कुछ सच्चाई? युवा का तो प्रभाव पड़ेगा, युवा युवा से ये जुड़ सकता है, युवा युवा से अपनी दिल की बात कर सकता है। और दूसरी बात, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास पर काम किया, इसलिए सभी वर्ग हमारे साथ हैं और पूर्ण बहुमत से हम लोग जीत कर प्रचंड बहुमत से जीत कर हम एक कमल माननीय मोदी जी और योगी जी के हाथों मजबूत करने के लिए भेजेंगे। सर राममूर्ति वर्मा, कपिल देव वर्मा, राकेश वर्मा, एक ही समाज के कई प्रत्याशी, क्या इसका कोई नुकसान जातीय समीकरण में? भारतीय जनता पार्टी जात पात की कभी बात नहीं करती है, ये सबका साथ सबका विकास का काम करती है। मैं नहीं जानता कि कौन कुर्मी प्रत्याशी कौन कितने हैं, मुझे विश्वास कि मुझे सभी वर्ग का वोट मिल रहा है और कुर्मी मतदाता मेरे पक्ष में जाना इसलिए है कि यहीं इसी भूमि से टांडा विधानसभा से जो पूर्वांचल के गांधी कहे जाते स्वर्गीय जयराम वर्मा जी यहीं से नेतागिरी शुरू किए थे और केंद्र नेतृत्व तक पहुंचे थे, विदेश मंत्री तक बने थे और यहीं से और कई मंत्री कुर्मी समाज के बने थे, इसलिए टांडा विधानसभा जो नेतृत्व करेगा उसी को यहाँ की जनता जिताएगी, बाहरी किसी जिताएगी, बहिष्कार करेगा। आप सीधी लड़ाई किससे मान रहे हैं अपनी आप भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई टांडा विधानसभा में किसके साथ? वास्तव में तो मेरी लड़ाई किसी से नहीं, बल्कि सपा बसपा बौखलाए हैं कि वो लोग परेशान हैं कि मेरी लड़ाई किससे है, हम तो जीत रहे हैं, हमारी लड़ाई किसी से मैं देख नहीं रहा कि हमारी किससे लड़ाई हो। जब आपका टिकट अनाउंस हुआ, बहुत पहले से खबरें आ रही थी कि आप टांडा विधानसभा लड़ेंगे, आप दावेदारों की सूची में हैं, तो जब आपका टिकट अनाउंस हुआ तो ऐसे कौन से मेजर मुद्दे आए आपके दिमाग में जिनको लेके आप जनता के बीच में जाएंगे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, उनको कहेंगे कि आप वो आपके लिए वोट करें? पहली बात तो मैं टांडा से नहीं था कि मैं लड़ूंगा, बस मैं एक विश्वास पे कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार लगा रहा, चाहे मैं जब जिला अध्यक्ष भी रहा या जिला पंचायत सदस्य यहाँ से जीता था, लगातार कार्यकर्ताओं के दुख सुख में लगातार मैं लगा रहा, उसी का नतीजा रहा कि आज भारतीय जनता पार्टी मुझे विश्वास करके मुझे टिकट दिया है। यहाँ का प्रमुख मुद्दा है यहाँ के बुनकर भाई के लिए, यहाँ जो हमारे और भी गरीब पीड़ित उनके लिए मैं लगातार, क्योंकि मैं दलित शोषित पिछड़ों के लिए नेता हूँ और उनका लगातार संघर्ष करूँ उनके विकास के लिए। बुनकर भाइयों की बात की आपने, फ्लैट रेट योजना इसी सरकार में रोकी गई, उसका बहुत विरोध हुआ, लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, कई दिनों तक अपने पावर लूम को बंद रखे, इन चीज़ को कैसे समझाएंगे बुनकरों को? बुनकर बाहुल इलाका है टांडा विधानसभा, मेरे संज्ञान पूरा है, यहाँ गुट दो गुट बन गए थे, कुछ सपा वाले नेता थे जो धरना प्रदर्शन दे रहे थे, गरीब तबका का धरना दे रहा, छोटे बुनकर हैं, संज्ञान में आए, उनके मैंने ज्ञापन लेके उनके समस्या सुनकर माननीय मुख्यमंत्री योगी गांधी से मुलाकात किया और उन्होंने तुरंत संज्ञान लेकर उसको स्थगित किया, उन्होंने कहा कि हम पूरा इसको स्थगित करके फ्लैट रेट पे जारी करेंगे हम बुनकर के हित, क्योंकि हमारी सरकार लगातार एक जनपद एक उत्पाद पर काम कर रही है और अम्बेडकर नगर बुनकरों के लिए एक जनपद के लिए चयनित हुआ।
तो क्या ये माना जाए कि कपिल देव वर्मा जो भाजपा प्रत्याशी हैं, वो ANN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे ये कह रहे हैं कि अगर वो विधायक बनते हैं, अगर भाजपा की सरकार बनती है, तो फ्लैट रेट योजना पे बुनकरों को राहत मिलेगी? पूरा विश्वास दिलाते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी कोई जात भेदभाव नहीं धर्म करता है, सबके लिए काम करता, सबका साथ सबका विकास करता है। और पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि टांडा विधानसभा में कोई पीड़ित नहीं रहेगा। एक हमारा विशेष है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं का या किसी सगे संबंधी जो हमारे भी जितने विधानसभा कार्यकर्ता हैं, किसी का अपमान नहीं होने दूंगा कभी। मैं विश्वास दिलाता हूँ किसी भी हद तक मुझे जाना पड़े, लेकिन कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं। शहर गांव सब दूर दूर तक गाजी। विधानसभा 278 एक दिन प्रत्याशी संघ में कपिल देव वर्मा अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, घर टू घर जा रहे हैं। उसी सिलसिले में मुलाकात हुई है भाई से, अभी आपसे प्रत्याशी मिल के गए। क्या नाम है आपका? सालिक राम जी हैं। कौन सा गांव है ये? भिकनापुर। सालिक राम जी हैं भिकनापुर गांव से। तो ये बताइए, जो अभी आपके बीच में से प्रत्याशी हैं उनको आप जानते हैं? हाँ जी। क्या नाम है उनका? कपिल देव वर्मा। क्या माहौल लग रहा है, क्या रहेगा इस बार रिजल्ट? नहीं, ठीक रहेगा माहौल, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले ये भाजपा के जिला अध्यक्ष थे, आप जानते हैं? हाँ। और जो विधायक है यहाँ से संजू देवी, वो भी भाजपा से थी, अब उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। तो आप लोग को क्या लगता है कि एक सही ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से दिया है? हाँ दिए हैं, लेकिन यही बोले हैं रोड बनवाने के लिए, वो तो नहीं बनवाए, क्या बताएं। कौन बोला था ये? ये संजू देवी दी। अच्छा, नहीं बनवाए, तो अब उनकी जगह ये कपिल देव वर्मा आए हैं। इनसे आप काम कराएंगे? इनसे बात करेंगे, अभी तो ये तो खड़े हुए हैं। जी। हाँ, उनसे मुलाकात होगा। तो मतलब ये माना जाए कि आप लोग इनके सपोर्ट में हैं? हाँ। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी जनता कसके कमर तैयार, फिर से बीजेपी। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी जनता कसके कमर तैयार, फिर से बीजेपी। सोच जिनकी है। एक दिन प्रत्याशी संघ में आज हम हैं कपिल देव वर्मा, भाजपा टांडा 278 से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनके साथ ही घूम रहे हैं उनके एक ईमानदार कार्यकर्ता, मैं कहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार गुप्ता है, मैं भाजपा से नामित सभासद हूँ टांडा नगर पालिका में। गुप्ता जी, गुप्ता नाम है आपका, श्याम बाबू गुप्ता नाम सुना होगा आपने? नहीं जी, बिल्कुल। तो उनका टिकट काटा गया, ये कहा गया कि आपका समाज बहुत नाराज है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, समाज नाराज नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के हम लोग बहुत ही पुराने कार्यकर्ता है, जनसंघ के कार्यकर्ता है, वैसे समाज पूरा सम्मान है, और वह समाज हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, और वह समाज पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ दिन रात काम कर रहा है। तो क्या आपको लगता है वो 5 साल श्याम बाबू गुप्ता जो विधायक प्रतिनिधि रहे, संजू देवी जो विधायिका रही यहाँ से, क्या उनका कामकाज इतना ठीक नहीं था, ये उनका टिकट काटा गया? नहीं, पार्टी निर्णय लेती है समय समय पर, और पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है उसका स्वागत करते हैं हम लोग पार्टी के निर्णय के साथ में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बदला है, आपको क्या लगता है उसका कितना फायदा जमीनी स्तर पे संगठन को दिखेगा, पार्टी को दिखेगा, इनके व्यक्ति विशेष को दिखेगा? कपिल देव वर्मा जी की बात करूँगा, पूरा फायदा दिखेगा, हर तरफ कमल का फूल। प्रदेश नेतृत्व ने, केंद्र नेतृत्व ने इतना काम किया है यहाँ की जनता के लिए, वो सब कुछ उसका लाभ मिलेगा। और हम जो टांडा की जनता, कपिल देव वर्मा भाजपा के साथ में है। दुआ देते हैं लाखों हजार, फिर से बीजेपी जनता कसके कमर तैयार, फिर से बीजेपी। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी। टांडा विधानसभा 278, कपिल देव वर्मा लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। उसी सिलसिले में वो एक गांव में अपना प्रचार करने आए थे, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे वो मिलके गए हैं। आपसे मुलाकात हुई है? जी, हुई मुलाकात। इनसे ही बात करते हैं कि क्या माहौल है इस बार टांडा विधानसभा का? बढ़िया माहौल है। किसके पक्ष में जा रही है हवा? हवा जो है भाजपा पक्ष में जा रही है। प्रत्याशी बदलने से कोई आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेजेंट विधायक थी संजू देव, क्या उनका कामकाज उतना अच्छा नहीं था कि उनको बदल दिया गया? अच्छा नहीं था कामकाज उनका। अच्छा, अब ये जो नया ऑप्शन आया इसमें आप जो खुश हैं? जी। चाचा, आपका क्या नाम है? हमारा तो राम दयाल वर्मा। के बहुत बार आपने वोट डाली होगी, बहुत सरकार आपने बहुत बनाया है। जी। 1971 से छुड़ाया वोट, पहला चुनाव 1971 में कराए है, नुनहर में तिघरा में। तो बहुत ज्यादा अनुभव भी है आपको इसका? मतलब अनुभव तो है ही है। तो अपने अनुभव से बताइए कि 2022 में क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? अभी तो जो है उत्तर प्रदेश में सरकार, उम्मीद है कि योगी एक बनेगी। टांडा विधानसभा से क्या होगा? टांडा विधानसभा से अभी कुछ कही
क्लियर नहीं है। अभी तो इन्होंने कहा कि कपिल देव वर्मा के, अरे वो भाई वो टहलते घूमते होंगे, हम तो कहीं जाते नहीं हैं। आप अपने अनुभव के हिसाब से बताइए। हमारा तो अनुभव अभी कुछ नहीं, अभी से ही देख रहे हैं, सब लोग दौड़ रहे हैं जी। और कौन कौन प्रत्याशी इनके अलावा यहाँ गाँव में आके मुलाकात की आप लोगों से? यहाँ जो राममूर्ति वर्मा है जी। और कौन आया? और कोई नहीं आया, ये दूसरे प्रत्याशी है जो आपके बीच गाँव में आए। काशी अयोध्या को चमकाया, जीत जनता की होगी धुआंधार, फिर से बीजेपी जनता कस के काम तैयार, फिर से बीजेपी। पूरे क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद कपिल देव वर्मा अब अपने कार्यालय, चुनावी कार्यालय पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं रफत इदास जी जो जिला उपाध्यक्ष के पद पे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपके हमारे इस चैनल में। क्या माहौल लग रहा है इस बार टांडा विधानसभा? इस बार टांडा विधानसभा में पूरी बहुमत के साथ हम लोग जो है जीतेंगे, माननीय कपिल देव वर्मा जी का साथ। मुस्लिम में भी सोसाइटी में भी है और निषाद बस्ती में, एससी बस्ती में मोदी जी और माननीय योगी जी की जो योजनाएं चल रही हैं, जो लाभ पा रहे हैं, उनका यही कहना है कि हम लोग को जो है अब की बार फिर से योगी जी को जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए, मैंने टांडा का सवाल करके आपको सीमित कर दिया, आप जिला उपाध्यक्ष हैं। मैं पूरे जिले की बात कर लेता हूँ। दो विधायक थे यहाँ से आपके, दोनों का आप लोगों ने टिकट काट दिया, तो ये कितना आपके पक्ष में जाएगा? टिकट काटा गया है तो ऊपर नेतृत्व का भाई जो संगठन का जो था वो अपना दिया है, माननीय कपिल देव वर्मा का पूरा साथ रहेगा और माननीय विधायक, दोनों विधायक जी जो भी है क्षेत्र में काम की हैं उसका पूरा जो है भरपूर जो है सहयोग मिलेगा हम लोग को, जनता हम लोग के साथ है। बाकी जो तीन विधानसभा आप हार गए थे 2017 में, वहाँ पे भी आपके प्रत्याशी लड़ रहे, सुभाष राय जलालपुर से जो समाजवादी से विधायक थे उनको आपकी पार्टी ने प्रत्याशी बनाए, उन तीन प्रत्याशियों के बारे में आप क्या कहेंगे? वो तीनों प्रत्याशी भी हमारे जो है पांचों विधानसभा हम लोग जीत कराएंगे और माननीय योगी जी को मजबूत बनाएंगे और मोदी जी को। विधानसभा 278 टांडा, सुबह से हम भाजपा प्रत्याशी कपिल देव वर्मा जी के साथ हैं और हमने देखा कि ये गांव-गांव जाके अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनसे ही जानते हैं कि हर गांव में इनको किस तरीके की मोहब्बत मिल रही है, लोग कैसा रिस्पांस दे रहे हैं। जब आप किसी गांव में विजिट करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, क्या वहाँ से निचोड़ निकल के आता है? सर्वप्रथम जब हम गाँव में जाते हैं तो हमारे जो पिता तुल्य हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, हमको अपार स्नेह प्यार मिलता है और बहुत खुश होकर हंसते हमसे मिलते हैं, हमारा मनोबल और बढ़ता है। तो मुझे विश्वास दिलाते हैं कि आप परेशान हो रहिए, मोदी जी के योगी जी जो कार्य किए हैं उससे सभी लोगों का विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। समाजवादी के पार्टी के नेता जो ये कह रहे हैं कि ये परिवर्तन का चुनाव है और समाजवादी और उनके गठबंधन की लहर है, तो उनको आपकी तरफ से आप अपना क्या जवाब देना चाहेंगे? कोई परिवर्तन की लहर नहीं, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग किधर कहाँ जा रहे हैं, वो अपनी स्थिति स्वयं नहीं तय कर पा रहे हैं। इतनी भगदड़ मची, कोई उस पार्टी का उसमें लड़ा, कोई उस पार्टी का लड़ा, तो सपा बसपा ने खुद अपने आप में स्पष्ट नहीं क्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में आएगी और 300 पार होगा। किसान आंदोलन का क्या कोई नुकसान होता दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को? लगातार जब से हमारी केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार बनी, लगातार किसानों के जनहित में काम हुआ है। किसान कहीं से नहीं भ्रमित है, भ्रमित लोग करने के लिए किसान हमारा भ्रमित नहीं है। चलिए, आखिरी में आप अपनी तरफ से हमारे व्यूवर्स को या अपने समर्थकों को अगर कोई मैसेज देना चाहें तो? मैं अपने समर्थकों को यह मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सभी, हमने निवेदन पूर्व में कर लिया कि हमारे सभी देवतुल कार्यकर्ता सभी लोग लग जाएं जी जान से और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक एक वोट डलवा कर यहाँ से एक कमल भेज कर माननीय मोदी जी और योगी जी का हुकूमत मजबूत करेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ा हूँ और लड़ता रहूँगा, सम्मान के प्रति मैं कभी समझौता नहीं किया हूँ। मुझे चाहे जिस हद तक जाना पड़े, इन कार्यकर्ताओं का अपमान बढ़ता है। तो ये थे हमारे साथ कपिल देव वर्मा, भाजपा प्रत्याशी टांडा विधानसभा। मैं था दीप सिद्दीकी, आप देख रहे थे ANN प्रेजेंट, एक दिन प्रत्याशी संघ। धन्यवाद।